सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 5 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास टोटल कितने प्रेजेंट हैं? दस लोग हैं। सेलेक्ट कितने करना है? सिर्फ सेलेक्ट करना है, कुछ भी अरेंज वगैरह कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट ए टीम। ठीक है, 10 लोगों में से सेलेक्ट कितने करना है? 5 को। तो हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए? 10 में से 5 चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 10c5, डायरेक्ट सिंपल। अब बहुत लोग बोलते हैं क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में तुम ऐसे ही पाओगे आंसर, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं। ठीक है, तो 10c5 हमारा आंसर हो गया सबसे पहला क्वेश्चन का, सबसे ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड। फिर से क्या करना है हमें? 3 लेटर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर। सबसे पहले मदर में कितने लेटर हैं? M 1 2 3 4 5 6, और दिख रहा है सारे के सारे अलग हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। उनमें से सेलेक्ट कितने लेटर को करना है? 3 लेटर को। हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए? 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 6c3, बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लैक, BLACK। टोटल कितने लेटर हैं? 5 लेटर्स। इन 5 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे टोटल 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, इनको 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर देंगे, सब के सब एक नए वर्ड होंगे। लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्टली ये नहीं होगा, आंसर में थोड़ा सा लोचा है। स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, हाउ मैनी मोर वर्ड्स। मोर वर्ड्स का मतलब क्या है? ब्लैक के अलावा कितने और बन सकते हैं। तो ये जो 5 फैक्टोरियल आया होगा, इसमें एक वर्ड ब्लैक भी होगा। जब ब्लैक के सारे लेटर को हम लोग अरेंज करेंगे तो अलग अलग वर्ड्स बनते जाएंगे, टोटल 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। लेकिन उसमें से एक वर्ड जो बनेगा वो ब्लैक भी होगा, लेकिन हमें ब्लैक को काउंट नहीं करना है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल माइनस 1। ये 1 क्या हो गया? ब्लैक इट्सेल्फ। ठीक है, ये जो ब्लैक खुद का था उसको माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल इन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। हम लोग अगर बैटिंग ऑर्डर देखेंगे चार्ट में तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर लिखा रहता है, प्लेयर 1 2 3 4 5 6 11 तक, सबका नाम अलग अलग लिखा रहता है। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि टोटल कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल हैं अगर टीम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है कि हमारे पास 11 प्लेयर हैं, उनको एक रो में या एक कॉलम में अरेंज करने का कितना वे है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? डायरेक्ट एक लाइन का आंसर, 11 फैक्टोरियल। हम लोग 11 फैक्टोरियल वे से उसको रीअरेंज कर सकते हैं और उतने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर से सिंपल क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागोन एज इट्स वर्टिसेस। मतलब क्या है कि हमारे पास एक हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन में कितना वर्टिसेस होते हैं? V1 V2 V3 V4 V5 V6, टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं। बोला गया इन 6 में से, 6 वर्टेक्स में से ट्राइंगल का वर्टेक्स कितना पॉसिबल हो सकता है। मतलब क्या है कि सोचो, इन 6 में से हम लोग कोई भी 3 वर्टेक्स को चूज कर ले, हमेशा एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा? बोलेंगे हाँ। सोचो, V4 सेलेक्ट कर लिया, V6 सेलेक्ट कर लिया एंड V3 सेलेक्ट कर लिया, फिर से एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा? बोलेंगे हाँ। सोचो,
वी वन सेलेक्ट कर लिया, वी टू सेलेक्ट कर लिया और वी फाइव सेलेक्ट कर लिया, फिर से एक ट्राइंगल बनेगा बोलेंगे। हाँ तो बेसिकली हम लोग छः में से कोई भी तीन पॉइंट को बस सेलेक्ट कर लें और उन तीनों पॉइंट को खुद में ज्वाइन कर दें, हमेशा एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे बेसिक मिस्टेक क्या होता है मोस्ट ऑफ द पीपल का, कि वो लोग 63 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, बोलते हैं छः में से कोई तीन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया और उनको अरेंज कर दिया। अरेंज तो होगा ही नहीं। क्यों अरेंज नहीं होगा? क्योंकि अगर तुमने छः में से कोई तीन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल जब तुम सेलेक्ट कर रहे थे तो सपोज तुम्हारे पास सेलेक्ट हुआ V4, V6 एंड V1, तो जब इनको ज्वाइन करोगे तो कितना ट्राइंगल पॉसिबल होगा? बोलेंगे एग्जैक्टली एक ही ट्राइंगल तो पॉसिबल होगा। V4, V1, V6 को कितना भी रीअरेंज कर लो, ट्राइंगल हमेशा क्या बन जाएगा? V4, V1, V6। अगर कोई ऐसा लिख रहा है ट्राइंगल V1, V4, V6, दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है। कोई ऐसा लिख रहा है V1, V6, V4, ये भी ट्राइंगल सेम है, तीनों सेम है, इसलिए अरेंज नहीं करना इनको, बस सेलेक्ट करेंगे। तो छः में से कोई भी तीन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो और उनको ज्वाइन कर दो, हमेशा एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ 5-digit numbers इन विच डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारे पास टोटल डिजिट होते कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब सोचो इस 10 डिजिट में से हमें कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट करके हमें उसके अरेंज करना है। अब इसमें एक लोचा ये है कि अगर तुम 5 डिजिट नंबर बनाना स्टार्ट करोगे तो कंडीशन क्या लगाया है कि वो जो नंबर बनेगा उसमें डिजिट्स कैसे होने चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर होने चाहिए। इसका मतलब सपोज अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया? 2, 3, 4, 5, 6। इनको अरेंज करने का कितना तरीका होगा? तुम ऐसे तो बोलोगे हमारे पास 5 डिजिट है, अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल वे है, लेकिन 5 फैक्टोरियल वे से जब अरेंज करोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ वो वाला नंबर चाहिए जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब सिर्फ एक ही तरीका है, 2, 3, 4, 5, 6, बस ऐसे ही रखना पड़ेगा। यही एक ऐसा नंबर है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में है डिजिट्स। ओके, ये तो एक चीज़ क्लियर हो गया। एक और चीज़ सोचो, अगर तुम 10 में से जब 5 सेलेक्ट कर रहे थे, मान लिया 0 सेलेक्ट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया सेलेक्ट हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, पहला का 5 ही सेलेक्ट हो गया। अब जब तुम इसको रखोगे तो रखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ ये जो 5 डिजिट नंबर है तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये जो 5 डिजिट नंबर बना, क्या ये 5 डिजिट नंबर है? बोलेंगे नहीं। इससे एक चीज़ और कन्फर्म हो गया कि 0 तो कभी हम लोग ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 0 जब भी लेंगे 0 सबसे आगे रहेगा, और सबसे आगे रहेगा तो वो 5 डिजिट नंबर बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस बचे कितने? 0 हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब बचे कितने टोटल? 9 डिजिट्स। तो हमें बेसिकली करना क्या होगा, इन 9 डिजिट्स में से कोई भी 5 डिजिट को सेलेक्ट कर लो। अब क्या करो, 9 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, उनको अरेंज करने का तरीका कितना है? सिर्फ एक तरीका है, वन वे टू अरेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए। ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ 5 डिजिट्स फ्रॉम 9 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग 0। 0 को हमने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 9C5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस। बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार क्या होगा, फिर से हमारे पास डिजिट कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इसका मतलब इस बार सपोज 0 1 2 3 4 ये 5 डिजिट को सेलेक्ट किया तो इसको रखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा 4 3 2 1 0। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो उनको अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। दूसरी बात, पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में था इसलिए 0 हमने नहीं लिया था, क्योंकि 0 जब भी आएगा हमेशा आगे आएगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि हम लोग 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 जब भी आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे नंबर ऑफ डिजिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर 5 डिजिट नंबर ही रहेगा। 0 जब आगे आता है तब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारे पास जो टोटल 10 डिजिट्स हैं उनमें से कोई भी 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो और उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, वेज टू अरेंज, ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्शन ऑफ 5 डिजिट्स आउट ऑफ 10 प्रेजेंट। 10 डिजिट हमारे पास थे, उनमें से किसी 5 को सेलेक्ट कर लिया और अरेंज करने का तरीका एक ही, तो फाइनल आंसर इज 10C5। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ट्रेन 3 सीट्स आर वैकेंट, ठीक है, चलो 3 सीट वैकेंट है, सीट 1 सीट 2 सीट 3, देन इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सीट, ठीक है, हमारे पास 5 लोग हैं 3 सीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन 5 में से किसी भी 3 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, अब उनको इस बार बिठाना भी है, सिर्फ सेलेक्ट करके खड़ा रखना नहीं है। हमने बोला चलो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 आ जाओ, पर्सन 4 और पर्सन 5 को छोड़ दिया, ठीक है, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, इन तीनों को सेलेक्ट करके अब बिठाना है। इनको बिठाने का कितना तरीका हो सकता है, हम लोग बोलेंगे 3 सीट है 3 लोग है, कितना तरीका होगा बिठाने का, 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ गया 5C3 × 3 फैक्टोरियल। 5C3 क्या हो गया, सेलेक्शन ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 5, और 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ 3 पर्सन ऑन 3 सीट्स प्रेजेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंकी, मंकी में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 लेटर्स प्रेजेंट है, और हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड का, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में से कोई भी 4 लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सोचो अगर 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया इन 6 में से, तो 2 लेटर रिजेक्ट हो गया, हमारे हाथ में अभी कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अब उन 4 लेटर से वर्ड बनाना है, कितने तरीके से वर्ड बना सकते हैं, हम लोग बोलेंगे 4 फैक्टोरियल वेज से वर्ड बना सकते हैं, तो सिर्फ सेलेक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें बोलना पड़ेगा 6C4 × 4 फैक्टोरियल। अच्छा, मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूँ 6C4 × 4 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा 5C3 × 3 फैक्टोरियल, बहुत बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5P3, आंसर विल बी सेम, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 6P4, बात एक ही है, ठीक है। मैंने बोला था शुरुआत में ही कि मैं यूज़ तो करूँगा NCR × R फैक्टोरियल, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ हमेशा, और सबसे ईजी है, अगर तुम लोग यूज़ करने लगोगे तुम्हें भी पता चलेगा कि ये सबसे ईजी वे है, ठीक है, 6P4 से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 3 5 7, टोटल कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5, चलो 5 डिजिट को अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से, लेकिन क्या जितने भी अरेंजमेंट आएंगे सब क्या 5 डिजिट नंबर होंगे, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 होगा, बाकी प्लेस पे 2 3 5 7 रीअरेंज हो रहे होंगे, इसका मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 होगा, तो बोलेंगे 4 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे ऐसे, कैसे, तो 0 को फिक्स कर दिया, बाकी 4 डिजिट को 4 प्लेस पे अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल वे, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल नंबर ऐसे हैं जिसमें पहला डिजिट 0 है,
तो टोटल इन पांच डिजिट को अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल नंबर्स है, जिसमें कि 4 फैक्टोरियल नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 डिजिट है एक्चुअल में, तो उनको माइनस कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल क्या था, टोटल नंबर्स, ये कौन था, नंबर्स हैविंग 0 एट फर्स्ट प्लेस और डिजिट। ठीक है, ओके चलो।